बात करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट को लेकर के. हमारे देश में विरोध का इतिहास रहा है, स्वदेशी आंदोलन, सत्याग्रह और फिर ऐतिहासिक जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी, अंबेडकर जी का जाति व्यवस्था को चुनौती देना, ये सब कुछ विरोध के कुछ सेट एग्जाम्पल्स हैं. विरोध हमारी संस्कृति में रहा है, हमें सिखाया गया है एस्टैब्लिशमेंट से सवाल करना, उस सवाल का जवाब मांगना और जवाब ना मिलने पर विरोध व्यक्त करना. हम इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, आज़ादी जहां हम अपनी बात रख सकें, जहां हम विरोध को व्यक्त कर सकें. लेकिन क्या AFSPA जैसे कानून, पुलिस का प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज करना, विरोध के नाम पर क्या विरोध करने की संवैधानिक आज़ादी पर खतरा है? इसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट के विरोध के नाम पर भारत की एकता को तोड़ने की बात करना, बस में आग लगाना, जो प्रोटेस्ट करने आई हैं महिला उनके साथ दुर्व्यवहार करना, क्या विरोध के नाम पर ये जस्टिफाइड है? क्या विरोध करने की आज़ादी पर सीमा लगाया जाना चाहिए? क्या विरोध करने वालों को अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, उनके लिए एक सेट लिमिटेशंस हो? इन सारे सवालों का जवाब ये एमिनेंट पैनलिस्ट देंगे हमें आज. हमारे साथ ऋचा हैं, जो फॉर्मर AUSU की प्रेसिडेंट हैं. इन्होंने एक नॉर्म तोड़ा है, ये ऐसी जगह प्रेसिडेंट थी जो काफ़ी मेल डोमिनेटेड थे इतने सालों से. शी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. जिग्नेश हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं, इंडिपेंडेंट MLA हैं बटगांव से और अपने दलित मूवमेंट्स को लेकर के काफ़ी चर्चा में रहते हैं. हमारे साथ स्वाति मालीवाल हैं, जो चीफ हैं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की, और हम लोग आज पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे. मेरा सवाल ऋचा से है, क्या सरकार को वायलेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ कोई सख्ती से पेश आना चाहिए या कोई कुछ ऐसे नियम लाने चाहिए, कानून लाने चाहिए जो ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट को रोके? और ऐसा क्यों हर बार होता है कि जो भी स्टूडेंट ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं वो वायलेंट हो जाते हैं टुवर्ड्स दी एंड? देखिए, प्रोटेस्ट कभी वायलेंट नहीं होते हैं. प्रोटेस्ट अपनी तमाम मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत करने का एक माध्यम होते हैं. लेकिन जब प्रोटेस्ट को सप्रेस किया जाता है और प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की या प्रशासन की होती है, जब सरकार आपके मुद्दों पर आपसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होती है. फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से 2012 में हम लोगों ने निर्भया कांड में देखा कि जब लोग महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर हिंदुस्तान का तमाम नौजवान, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, वो जब सड़कों पर आए, पार्लियामेंट की स्ट्रीट पे उन्होंने मार्च किया, तो किस तरीके से वो सरकार से महिलाओं की सुरक्षा पर जवाब मांग रहे थे. लेकिन सरकार ने जवाब देने की बजाय उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर वाटर कैनन चलवाने का काम किया, पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज करवाने का काम किया. तो एकदम स्पष्ट है कि प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं होते हैं. प्रोटेस्ट को वायलेंट करने का काम सत्ता के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सत्ता को मालूम है कि अगर आपको प्रोटेस्ट को खत्म करना है, प्रोटेस्ट को सप्रेस करना है, तो उसमें वायलेंट एलिमेंट डाल दीजिए ताकि वो प्रोटेस्ट खत्म हो जाए. जैसा कि आपने कहा भी कि हिंदुस्तान में और दुनिया के सभी हिस्सों में प्रोटेस्ट का एक लंबा इतिहास रहा है. आज हम यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ भगत सिंह, चंद्रशेखर और गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था. आज हम यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं क्योंकि इस देश में प्रोटेस्ट का इतिहास रहा है. और मैं एक बात एकदम कहना चाहती हूँ कि मन की बात से तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है प्रोटेस्ट से, प्रतिरोध की आवाज से. हम हमेशा से ऐसा कंप्लेन करते आए हैं, ऐसा कभी ना कभी शिकायत रही है कि डिसेंट का स्पेस जो है वो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में कम होता जा रहा है. लेकिन अगर कुछ सालों में हम देखें, वो अलीगढ़ हो, JNU हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, BHU हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, सब जगह विरोध हो रहे हैं. तो अभी भी क्या इतने विरोधों के बाद भी आपको लगता है कि डिसेंट की जो जगह है, विरोध की जो जगह है, वो कम होती जा रही है? देखिए, डिसेंट हमेशा से इस लोकतंत्र में होता रहा है.
डिसेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. अगर वर्तमान समय में ये देखा जाए तो ये बात ज़रूर है कि हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़, हिंदुस्तान के कैंपसेस जो लंबे समय से अपने डेमोक्रेटिक स्पेस के लिए जाने जाते रहे हैं, जो हर तरीके की असमानता, फीस हाइक या तमाम मुद्दों के लिए खुलकर बोलते हैं, हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय जो इंकलाब जिंदाबाद के नारों से जाने जाते रहे हैं, तमाम तरीके की असमानता पे हल्ला बोल के नारों के साथ जाने जाते रहे हैं, पिछले कुछ सालों में एक बात विशेष ये हुई है कि वहाँ पे इंकलाब जिंदाबाद और हल्ला बोल की जगह वर्तमान जो केंद्र की सरकार है उसके चलते धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता के नारे जाने जाने लगे हैं. तो हम लोगों को इस पर ये सोचना होगा. लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हुआ है. अगर हम लोग 70 के दशक की बात करें तो जिस तरीके से 70 के दशक में जेपी मूवमेंट खड़ा हुआ, तमाम नौजवान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर और उसने मौजूदा सरकार के खिलाफ अपने प्रतिरोध को जताया, तमाम विपक्षी दलों ने अपने प्रतिरोध को जताया और उस समय की सरकार ने भी युवाओं को ये कहा कि ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है. जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि आप प्रोटेस्ट करेंगे नहीं उससे पहले आपको देशद्रोही बता दिया जाएगा. आप अपनी फीस हाइक का मामला उठाने जा रहे हैं लेकिन आप देशद्रोही हो गए. आप ये कहने जा रहे हैं कि हमें महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए कैंपस में, जेंडर्ड कैंपस चाहिए, लेकिन आप देशद्रोही हो गए. आप ये कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों के लिए सुरक्षा चाहिए, हमें दलितों के लिए अस्मिता चाहिए, आप देशद्रोही हो गए. हम लोग केवल एक सवाल आपके माध्यम से यहाँ से करना चाहते हैं, इस देश की सरकार से, कि जब हिंदुस्तान में संसद की सड़कों पर संविधान की प्रतियों को जला दिया जाता है, जब राम रहीम के पक्ष में आकर उनके तमाम समर्थक सड़कों पर हिंसा का नंगा नाच करते हैं, जब आसाराम के समर्थक बाहर निकलकर तोड़फोड़ करते हैं, जब करणी सेना के लोग कोर्ट का जजमेंट आने के बावजूद सड़कों पर निकलकर हिंसा करते हैं, अगर महाराष्ट्र की बात कर लें तो वहां पर जिस तरीके से हिंदी भाषियों के खिलाफ लगातार हिंसात्मक रुख अपनाया जाता है, तब नहीं वो देशद्रोह होता है. जब इस देश का एक उत्तर प्रदेश से मैं आती हूं, जब वहां के हेल्थ मिनिस्टर ये कह देते हैं कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं, तब देशद्रोह नहीं होता है. लेकिन अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सवाल करें, हम अपने फंडामेंटल राइट्स को मांगे, तो ये सरकार ये कहना चाहती है कि वो देशद्रोह है. तो देशद्रोह कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मुखर आवाजों को दबाना, ये अपने आप में एंटी नेशनलिस्ट है. और इस तरीके के एंटी नेशनलिज्म को हम युवा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है. हम अपनी आवाज उठाते आए हैं और आवाज उठाना जिंदा होने का सबूत है. जिस दिन हम आवाज उठाना बंद कर देंगे उस दिन हम जिंदा होने का सबूत देंगे. आपने अभी ऋचा कहा कि अगर लोग आवाज उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं किसी स्पेसिफिक मैटर को लेकर के, तो उन्हें एंटी नेशनल कहा जाता है. तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो यूथ हैं वो अब रिफ्रेन करेंगे प्रोटेस्ट करने से? बिल्कुल नहीं. यूथ ने हमेशा से सवाल उठाए हैं और हमेशा वो सवाल उठाते रहेंगे. आप जितना यूथ को सप्रेस करेंगे वो उतनी मजबूती से सवाल उठाएंगे. और इसका एग्जाम्पल है कि पिछले 4-5 सालों में आप देखिए, जिसमें एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी बहुत बड़ा अहम योगदान है, कि पहले दिल्ली में प्रोटेस्ट होता था तो इलाहाबाद वालों को पता नहीं चलता था, पहले BHU में प्रोटेस्ट होता था तो हैदराबाद वालों को पता नहीं चलता था, लेकिन आज हैदराबाद के रोहित वेमुला की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान का युवा लड़ता है, BHU में अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसकी लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के लड़के और लड़कियां साथ में युवा मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं. तो ये तो बंद नहीं होने जा रहा है और हमारी आवाज़ को जितना दबाया जाएगा हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को उतना मजबूत करने का काम करेंगे. थैंक यू जिग्नेश. आपसे मेरा अगला सवाल है, अमूमन देखा गया है ऐसा कि जितने भी विरोध होते हैं, जितने भी डिसेंट स्पेस होते हैं, वहाँ हिंसा और विरोध साथ साथ चलते हैं इस देश में, कुछ ऐसे प्रोटेस्ट को छोड़ करके. तो सरकार द्वारा डिसेंट को एक उचित ना देना इसकी वजह हो सकती है या प्रोटेस्टर का अनियंत्रित हो जाना इसकी वजह हो सकती है? देखिए, आज की पूरी जो इवेंट है उसको लेकर मुझे कुछ कॉमेंट करना है जी. मैं मेरी खुद की पर्सनल बात करूं, मुझे यार टेलीस्कोप लगाकर शनि के वलय देखने लाइफ में,
मुझे नेदरलैंड्स जाकर विंसेंट वैन गोग की जो पेंटिंग्स है उसकी कमेंट्री सुननी है. मुझे बिना कुछ काम किए चाय की दुकान पे गालिब और फेस की बात करनी है. दिस इज द लाइफ आई रियली वॉन्ट टू चूज, लेकिन मुझे सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है. मुझे ये नहीं करना था, मुझे एक्चुअली ये करना था. मुझे बिना कुछ काम किए चाय की दुकान पे मस्त फेज और गालिब के ऊपर डिबेट करना था दोस्तों के साथ. आई रियली वॉन्ट टू डू दैट. मुझे तेंदुलकर को मैग्रा को धोते हुए उसकी बैटिंग देखना था. लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि एक मुकेश अंबानी नाम का आदमी 27 माल की बिल्डिंग में रहता है, उसका महीने का बिल 70-80 लाख आता है, और जिस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खून पसीने से वो बिल्डिंग बनी वो बम्बई की सड़कों पर नंगा सोया है, तो मुझे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा. अब तो ये मेरी आंखों के सामने जो दुनिया है, मेरी आंखों के सामने जो हो रहा है, मेरी आंखों के सामने जो समाज है, उससे मुझे बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, विच ब्रिंग्स मी ऑन द स्ट्रीट्स. अब आपका ये जो सवाल है कि ये भी बिल्कुल सही बात है कि लोग सड़कों पर उतरते हैं और डेमोक्रेटिकली बिहेव करते हुए अपनी बात को रखते हैं. ऐसे भी लोग हैं जो अनडेमोक्रेटिकली बिहेव करके पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज भी करते हैं, कुछ लोग वायलेंस भी करते हैं. लेकिन ओवरऑल पूरा पिक्चर देखे तो स्टेट इज द मदर ऑफ ऑल वायलेंस. सबसे ज्यादा हिंसा अपने सब्जेक्ट्स पर कोई करता है तो वो राजसत्ता होती है. आज हमने सारे कॉलेज के कैंपस में देखा, लोग मस्ती से पढ़ते हैं, अपने मुद्दों पर बात रखते हैं, लेकिन जिस प्रकार के कॉलेज के कैंपस में पिछले 3-4 साल में दमन हुआ, ठीक है, तो लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे? भीमा कोरेगांव वाला मामला आप सभी के सामने है. मुझे एक्चुअली इस बात का गर्व है कि मैंने मेरी लाइफ की सबसे प्रोग्रेसिव कंटेंट वाली स्पीच दी, बट आई एम फेसिंग एन एफआईआर फॉर इंस्टिगेटिंग द पीपल. अब ये कोई करेगा, जब सरकार ये करेगी तो स्वाभाविक है कि लोग सड़कों पर उतरेंगे. लेकिन लोग जब सड़कों पर उतरते हैं तो मोस्टली ज्यादातर लोग कुछ बदलाव चाहते हैं, ऐसे नहीं निकल जाते. ऐसे ही निकल जाने वाले लोग भी हैं, तो ज्यादातर प्रोटेस्ट मोस्टली पीसफुली होते हैं, डेमोक्रेटिकली होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटेस्ट वायलेंस में भी तब्दील होते हैं, जिसको हम हर कीमत पर डिस्कार्ड और रिजेक्ट करते हैं. लेकिन यह भी समझना होगा कि जो लोग सबसे ज्यादा ये एलिगेशन करते हैं कि आप एक्टिविस्ट लोग जो सड़कों पर उतरते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जो एजिटेशन करते हैं, आप लोग हिंसा करते हैं, जबकि रियलिटी ये है, ऐसा कहने वाले लोगों ने इस मुल्क में 50 सालों तक तलवारें और त्रिशूलें बांटे, ठीक है. तो आप किसको डराने के लिए, किसको धमकाने के लिए त्रिशूल और तलवार बांटते हैं? कौन सा कल्चर आप प्रमोट करना चाहते हैं इस मुल्क में? तो हमारा साफ तौर पर मानना है कि प्रोटेस्ट होंगे डेमोक्रेसी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए. जब मशीन जब थोड़ा जाम हो जाता है तो थोड़ा ऑयलिंग की जरूरत रहती है, तो प्रोटेस्ट वो काम करते हैं. और जैसा कि ऋचा ने बताया कि हमारे जिंदा होने की निशानी है, यही बाबा साहब अंबेडकर से सीखे, यही भगत सिंह से सीखे. भगत सिंह का एक ग्रेट स्टेटमेंट है, संघर्ष संघर्ष अंतिम दम तक संघर्ष. तो जब तक इस मुल्क में और दुनिया में असमानता रहेगी, एक भी व्यक्ति भूखा सोएगा, तब तक लोग सड़कों पर उतरेंगे, प्रोटेस्ट होंगे. जिग्नेश, आपने जब भी प्रोटेस्ट किया है, अमूमन जब भी प्रोटेस्ट किया है, वो कहीं ना कहीं आया आपकी राजनीति भी कह ले, आपकी राजनीति दलित अधिकारों पर केंद्रित रही है, मगर आप अब एक इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, तो क्या आपकी जो राजनीतिक विचारधारा है उसकी वजह से जो नॉन दलित कम्युनिटी है, क्या आप उनके लिए इनएक्सेसिबल हो गए हैं? क्योंकि अगर हम बात करें अंबेडकर जी की, वो उनका जो कंट्रीब्यूशन था हमारे देश के लिए वो बहुत महान है, लेकिन आज भी उन्हें दलित का नेता कहा जाता है. बहुत बढ़िया सवाल है. 1930s में बाबा साहब अंबेडकर ने इंटरकास्ट मैरिजेस की बात की, ठीक है. मैं ऐसा मानता हूं कि 14 अप्रैल इस मुल्क में मनाना जितना जरूरी है, उतना जरूरी है वैलेंटाइन डे भी मनाना. यदि कोई आदमी प्यार नहीं करेगा, आई लव यू नहीं बोलेगा, प्यार इश्क मोहब्बत जिंदाबाद नहीं बोलेगा, तो इस मुल्क में दुनिया के किसी भी कोने में वो क्रांति नहीं कर सकता है. यदि नए समाज का, नए भारत का निर्माण करना है तो इंटरकास्ट मैरिजेस होने चाहिए. विदाउट इंटरकास्ट मैरिजेस एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति निर्मूलन भी नहीं होगा. कहना ये चाहता हूं कि इतनी
मॉडर्निटी की इतनी अपील जिसको थी, जिस बाबा साहब अंबेडकर को, इतना बड़ा लिबरल आदमी, इतना डेमोक्रेटिक आदमी, जितना इतना एक लिबरल मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया, उनको भी सिर्फ दलितों का नेता बना के रखा है। और एलिगेशन ये होता है कि नहीं 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 आप दलितों ने बाबा साहब को रिड्यूस कर दिया। अरे भैया 14 अप्रैल आप मनाइए ना, कौन ना बोल रहा है, बट यू डोंट वांट टू सेलिब्रेट अंबेडकर। तो दलित जब सेलिब्रेट करते तब आप ऐसा कहते हैं कि आपने बाबा साहब अंबेडकर को पकड़ के रखा। ऐसा नहीं है भाई, आपके है, आप ले जाओ अपने घर में, आप उनके आइडियाज के ऊपर डिबेट करो, चर्चा करो। मेरा भी यही कहना है कि मेरी खुद की पब्लिक लाइफ की शुरुआत गुजरात में किसानों की आत्महत्या के मुद्दे से हुई। मैंने आशा वर्कर बहनों के इश्यूज उठाए, आंगनवाड़ी की बहनों के सवाल उठाए, GISF के जवानों के सवाल उठाए, सफाई कर्मियों के मुद्दे पर काम किया है, फार्मर सुसाइड के इश्यू पर काम किया है, जर्नलिज्म किया है, सारी सिविल लिबर्टीज की जितनी भी मूवमेंट रहती है मैं उसका एक एक्टिव मेंबर हूं गुजरात में, एनी वन आउट ऑफ गुजरात। फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया यही कहेगा दलित नेता जिग्नेश मेवानी, तो वो मेरा समस्या नहीं है। मेरी लाइफ में गालिब है, मरीज है, फैज है, वैनगोग है, तारकोवास्की है, चैपलिन है, भगत सिंह है, लेनिन है, सब कुछ है, फिर भी सिर्फ दलित नेता ही कहते हैं। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया की बीमारी है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं वड़गाम की बात करूं, मैं जहां से चुनाव जीता, ठीक है, वहां 2.5 लाख वोटर्स है, तो जो दलित समाज से बिलोंग नहीं करते उनके वोट यदि नहीं मिले तो मैं MLA नहीं बन पाता, ठीक है। तो ये मैं तो साफ तौर पे मानता हूं कि लोगों के दिमाग के अंदर ये जो कास्ट का जो मॉन्स्टर आज भी जिंदा है उसकी वजह से मुझको दलित नेता कहते हैं। दलित कोज इज नॉट ओनली कोज आई एम एंगेज्ड इन टू, ठीक है। मुझे, मैं ये मुद्दा भी उठाता हूं कि यार किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा और कॉरपोरेट जायंट्स का 5,29,000 करोड़ आपने माफ कर दिया, ये तो नहीं चलेगा। ये मुद्दा मैं उठाता हूं, मैं ये मुद्दा भी उठाता हूं कि आज भी मिलियंस ऑफ लोगों के पास सर के ऊपर शेल्टर नहीं है, 4,500 बच्चे भूखमरी में मर रहे हैं, तो क्यों मर रहे हैं भाई, सब्सटेंशियल फूड नहीं हमारे मुल्क में है। इन सारे सवालों को उठाने के बावजूद मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं जी। अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर, मैं 2 टेलीस्कोप्स इंस्टॉल कर रहा हूं वड़गाम में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ऐसा तो है नहीं केवल दलित ही देखेंगे चंद्रमा के धब्बे। नेक्स्ट 100 दिन में 2,000 पेड़ का प्लांटेशन का हमारा प्रोग्राम है। 17 बहनें सैनिटरी नैपकिन्स के प्रोडक्शन में लगी हुई है। सो आई वॉन्ट वड़गाम टू बिकम अ ग्राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नॉट जस्ट फॉर दलित्स बट फॉर एवरी पुअर, फॉर एवरीबडी। तो अखबार के लोग न्यूज चैनल्स की डिबेट में जब बुलाते हैं तब कहते कि आप दलितों के सवाल ही उठाते, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं मानता हूं दलित मूवमेंट को मोस्ट वाइब्रेंट और कलरफुल होना चाहिए, बींग दलित शुड बी बींग कूल, राइट। और ये केवल रेटोरिक के लिए नहीं, मैं सचमुच ऐसा चाहता हूं कि सारे जाति, एक्चुअली जाति धर्म ये सब बहुत ही एनाक्रोनिस्टिक थिंग है, इतिहास में उसका वक्त निकल गया फिर भी जिंदा है। लेकिन बार बार सवाल यही आता है कि जब जिग्नेश मेवानी को न्यूज चैनल की डिबेट में बुलाएंगे तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद दलित नेता जिग्नेश मेवानी, ये कहना बंद कर दीजिए भाई। एंटी नेशनल, आप जब विरोध कर रहे थे तो उसका सफर एंटी नेशनल से शुरू होकर कि अब अर्बन नेक्सलाइट पर आ गया है, तो ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या राय है प्रोटेस्ट को लेकर, इन कॉन्टेक्स्ट विद प्रोटेस्ट को लेकर? मैं इस मामले में थोड़ा लकी हूँ क्योंकि ये टुकड़े गैंग एंटी नेशनल्स बहुत ट्राई किया, मुझे चिपक नहीं रहा है। यहां तक कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग गुजरात के सीएम ने या किसी बीजेपी के बड़े मिनिस्टर ने चुनाव के वक्त ऐसा स्टेटमेंट दिया, वो जिग्नेश मेवानी जो वड़गाम से चुनाव लड़ रहा है ना, हाँ, वो JNU में पढ़ा है, भाई मैं नहीं पढ़ा हूं। तो फिर किसी नेक्स्ट डे अखबार में किसी ने स्टोरी किया, नॉट जिग्नेश मेवानी, चीफ सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात स्टडीड इन JNU। तो बीच में कुछ दिन पहले मैं कुछ मुस्लिम ग्रुप के साथ उनको मिलने के लिए गया था कुछ सवालों को लेकर, तो मैंने उनको बात में बोला JNU से पढ़े, हाँ किसी को बोलना मत। तो मूल मुद्दा यह है कि इस वक्त सबसे अहम सवाल हमारे क्या है, महंगाई सारे लोगों को परेशान कर रही है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का प्रॉमिस दिया था, उसका 1% लोगों को भी जॉब्स नहीं मिले। आज भी हजारों की तादाद में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं,
ऋण कर्जे का शिकार है, इन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए फासिज्म का एक फीचर है, एक कृत्रिम एनिमी आपके सामने खड़ा करते हैं, और इसी के लिए एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग ये धब्बा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके ओरिजिन्स को देखें तो जब सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सारे लोग जब बलिदान दे रहे थे तब ये लोग समाज को हिंदू मुसलमान में बांट रहे थे। उनकी विचारधारा में से आने वाले किसी भी व्यक्ति ने इस मुल्क की स्वतंत्रता की मूवमेंट में खून का एक कतरा बहाया नहीं, और तुम हमको सर्टिफिकेट दोगे। थैंक्स। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्वाति। स्वाति, क्या एक अहिंसक विरोध सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकती है? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट या मीडिया की नज़र में आने के लिए विरोध का वॉयलेंट होना ज़रूरी है? क्या एक नॉन वॉयलेंट मूवमेंट भी पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा हो सकती है? मुझे लगता है बिल्कुल हो सकती है। अगर आप देखें अभी तो लेटेस्ट एग्जाम्पल है, आज दिल्ली में हर दिन 6 बलात्कार होते हैं। दिल्ली पूरे वर्ल्ड की में रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरह फेमस है। अभी एक 8 महीने की बच्ची के साथ भी दिल्ली में बलात्कार हुआ था। शी वॉज सफरिंग इन द हॉस्पिटल, ICU में थी। मैं जब उससे वहाँ पे मिलने गई तो मैं बता ही नहीं सकती कि मैंने क्या एक्सपीरियंस करा। खून में वो लथपथ पड़ी थी, पूरा ICU सुन्न हो गया था उसको देखकर। ऐसी सिचुएशन में मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, पिछले 3 साल से पत्र लिखे, पॉलिटिशियन से जाके मिली, कोर्ट भी गई, सब कुछ कर लिया, हर चीज़ मैंने वो करी कि जिससे मुझे लगा कि दिल्ली में या देश में कुछ बदलाव आए, बच्चियों के साथ बलात्कार बंद हो, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। जब इस 8 महीने की बच्ची को देखा, अपनी गोद में लिया, तो मुझे लगा कि बस बहुत हो गया, दिल्ली महिला आयोग कोई कटोरा लेकर खड़े होने वाली बॉडी नहीं है। वी हैव पावर एंड वी विल हैव टू एक्सरसाइज इट, बट नॉन वायलेंटली। उस दिन से हमने सत्याग्रह शुरू करा। फॉर 37 डेज आई डिड नॉट गो बैक टू माई हाउस। दिन में पूरे दिन हम लोग हियरिंग्स करते थे, महिलाओं से मिलते थे, उसके बाद शाम को वापस वहीं पे वापस जा जाके अलग अलग जगहों पे रात में जाके इंस्पेक्शंस करते थे, फिर वापस मैं अपने ऑफिस में ही आती थी और वहीं पे सोती थी और अगले दिन वहीं से शुरू करती थी। 37 दिन तक घर नहीं गई ये सोच के कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है ये शायद कुछ सुन ले, लेकिन फिर भी नहीं सुना। पूरे देश में दिल्ली महिला आयोग ने एक मूवमेंट शुरू करा, रेप रोको मूवमेंट। 5.5 लाख पत्र हमने प्रधानमंत्री जी को भिजवाए कि कुछ तो डर होना चाहिए इस सोसाइटी में, लोगों को डर ही नहीं लगता। दिल्ली पुलिस से जब मैंने आंकड़े मांगे तो पता चला कि 2012 से लेके 14 के बीच में 31,446 महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध हुए हैं और 150 से कम लोगों को सजाएं हुई हैं। नो वंडर वी आर द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पीपल आर जस्ट नॉट स्केर्ड इन आर कंट्री। तो हमने उनसे मांग करी कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि अगर कोई बच्ची को बलात्कार करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा हो और 6 महीने के अंदर अंदर सजा हो, उस आदमी को फांसी की सजा दो। ये हमारी मांग थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 5.5 लाख लोगों ने पूरे देश से प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सो मच सो फॉर नॉन वायलेंस। उसके बाद कथुआ में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, मैंने वो चार्जशीट पढ़ी। मैं एक आम महिला हूँ, जैसे ये जिग्नेश भाई अभी बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी भी ज़िंदगी के बहुत सपने थे, वो सब कुछ छोड़कर पब्लिक लाइफ में आए, मेरी भी कुछ इसी तरीके की कहानी है। और मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं अनशन पे बैठूंगी, लेकिन जब मैंने वो चार्जशीट पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। आई समवेयर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज नॉट एन एंटी नेशनल, आई फेल्ट समवेयर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। और उस दिन मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि अगर या तो आप ऐसा सिस्टम बनाओ, नहीं तो मैं अनशन पे बैठ रही हूँ। मैं आमरण अनशन पे बैठी और 10 दिन के अंदर अंदर प्रधानमंत्री जी को सुनना पड़ा और फिर देश में उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करा कि अब अगर किसी भी बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उस आदमी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ठान ले तो वॉयलेंस के बिना
non-violent protest से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. आप कितने भी आंदोलन देख लीजिए, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, चाहे वो उससे पहले बहुत आंदोलन ऐसे हैं जो non-violent रहकर भी अपनी बात मनवा पाए हैं और अपनी बात को assert कर चुके हैं. अगर हम individuals, as individuals, अगर हम responsible citizens हैं, तो जहाँ जहाँ हम injustice देखते हैं वहाँ वहाँ हमें protest करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सरकारें गूंगी और बहरी हो जाती हैं तब इंसानों के पास क्या और चारा है? क्या हम अपनी आंखें बंद कर लें? क्या अगर जीबी रोड पे लड़कियां बिकती रहेंगी तो मैं अपनी आंखें बंद करके बैठ जाऊं कि नहीं नहीं मैं अपना काम कर रही हूं, मैंने नोटिस इशू कर दिया, अगर पुलिस नहीं कर रही तो मैं क्या करूं? अभी हमने एक 15 साल की बच्ची को जीबी रोड से रेस्क्यू कराया है. 9 साल की उम्र में उस लड़की को बेच दिया गया था. पिछले 6 सालों से उस लड़की के साथ हर दिन 20-20 आदमियों ने शोषण करा है. उसको रोज इंजेक्शन लगाए जाते थे जिससे कि उसकी बॉडी ऐसे डेवलप हो कि कोई आदमी उसको आकर यूज कर सके. और जब हम उसको रेस्क्यू करने गए तो जो 200 मीटर का पुलिस थाना है वहां से पुलिस वालों ने आकर उसके कोठे की मालकिन को बोला कि आप इस बच्ची को छुपा दो क्योंकि दिल्ली महिला आयोग आने वाला है. ये मैं नहीं कह रही हूं, ये लड़की की एफआईआर कह रही है, जो लड़की के जो स्टेटमेंट्स हैं. तो जब इस तरीके का इनजस्टिस होगा तो मुझे बताइए क्या किया जाए. आज दुख की बात यह है कि इंडिविजुअल्स को तो प्रोटेस्ट करना ही पड़ रहा है. इंडिविजुअल्स प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम तो एंटी नेशनल हो. आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इंडिविजुअल्स के साथ साथ महिला आयोगों को भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी भी बात नहीं सुनते. तो बहुत ही मतलब वी आर इन वेरी वेरी डार्क टाइम्स. हम प्रोटेस्ट करते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो मीडिया को दबाया जाता है. आज की स्थिति में अभी भी किसी मीडिया, बहुत सीनियर मीडिया जर्नलिस्ट ने रिजाइन करा है बिकॉज दे आर अंडर सो मच ऑफ प्रेशर. एक्टिविस्ट्स अरेस्ट करे जा रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में इट इज़ आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट. आई थिंक वी आर इन वेरी डार्क टाइम्स दैट नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स बट इवन वेल मीनिंग इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग फोर्स्ड टू प्रोटेस्ट. स्वाति, ऐसा देखा गया है उनकी अभी पिछले 2 महीनों में देखे तो महिला जो प्रोटेस्ट करने आ रही हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है. तो क्या आपको लगता है कि विरोध प्रदर्शन में महिला के लिए एक बहुत सुरक्षित स्पेस बचा है? क्या आप ऐसी बहुत सारी स्कूल्स गए, यहाँ भी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो कॉलेज से आई हैं, तो क्या ऐसे में अगर लगातार वायलेंस होता रहेगा जो प्रोटेस्टर्स पे, तो क्या लड़कियां जो कॉलेज की हैं, स्कूल्स की हैं, वो प्रदर्शन का हिस्सा बन पाएंगी? आज बहुत ही बुरी स्थिति में हम लोग हैं. अभी जब आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे याद आया एक लड़की याद आई जो जेएनयू की छात्रा है और जेएनयू में ही प्रोटेस्ट हो रहा था और पुलिस ने उस प्रोटेस्ट के ऊपर दबाव बनाया, लाठीचार्ज करा और एक अखबार में फ्रंट पेज पर एक फ़ोटो छपी उस लड़की की जिसमें उसकी छाती को एक मेल पुलिस वाले ने इतनी बुरी तरीके से पकड़ा हुआ है. तो ये तो मतलब जेएनयू में, दिल्ली में, देश की राजधानी में हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि बाकी दूर दराज में, गाँव में क्या हालात होंगे. ऐसी स्थिति में जब हमने पुलिस को नोटिस इशू करा, हमने पुलिस के ऊपर एक्शन करने की कोशिश की, तो पुलिस कहती है कि हम ये जो ऑफिसर है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. Can you imagine? How can that be that you are not identifying your own officer? So obviously अब हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पे जाना पड़ेगा. But स्थिति ये है कि लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है और प्रोटेस्ट्स में तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है. अगर कोई लड़की अमित शाह की रैली को काला झंडा दिखाती है तो उसको लाठीचार्ज करा जा रहा है. अगर दिल्ली महिला आयोग काम करता है तो दिल्ली महिला आयोग के खिलाफ ही 2-2 एफआईआर करा दी जाती हैं. अगर जिग्नेश भाई कहीं पे कुछ बोलते हैं इनके खिलाफ एफआईआर करा देते हैं, एक्टिविस्ट्स को अरेस्ट करा देते हैं, मीडिया के ऊपर अटैक चल रहा है. मुझे नहीं लगता कि महिलाएं प्रोटेस्ट्स में कहीं भी सुरक्षित हैं. और प्रोटेस्ट तो खैर बहुत दूर की बात है, एक फिजिकली आप जा रहे हो कहीं पर लड़ रहे हो. आज की तो स्थिति ये है कि अगर सोशल मीडिया पर भी एक वर्ड भी लिख दो प्रोटेस्ट का तो उसके ऊपर ही आपके ऊपर इतनी ज़्यादा अटैक होता है. आपको हर तरीके की आपको लांछन लगाए जाते हैं, आपके ऊपर इतनी अभद्र भाषा यूज की जाती है, रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं. ऐसी स्थिति में अगर पुलिस प्रॉपरली एक्शन लेना शुरू करे इस तरीके के लोगों के खिलाफ और साथ ही पुलिस के ऊपर भी एक्शन हो, जो वो आदमी है जिसने उस लड़की की छाती इस तरीके से पकड़ी, अगर उसके ऊपर एक्शन होता तो मुझे बता दीजिए कि क्या बाकी पुलिस वालों में से फिर कभी किसी की हिम्मत होती किसी लड़की को प्रोटेस्ट के दौरान ऐसे पकड़ने की? मुझे नहीं लगता. तो मुझे लगता है कि जैसे बताया जा रहा है, जैसे डिस्कस किया जा रहा है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरीके के वॉयलेंस को और स्टेट परपेट्रेट करता है इस तरीके की वॉयलेंस जिससे कि महिलाओं को, बच्चियों को डर लगे, वो आगे ना आए. लेकिन महिलाओं का भी इतिहास रहा है, बहुत महिला आंदोलन हुए हैं इस देश में, बहुत महिलाएं सड़क पे उतरी हैं,
जब बहुत हो गया तो गुलाबी गैंग बने हैं इस देश में, और जब महिलाएं सड़क पे उतरी, आंध्रा में भी अगर हम देखें तो पूरे आंध्रा के अंदर कितने, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें शराब बंदी तक हुई है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं, आप कितना भी आप अत्याचार कीजिए, महिलाओं में बहुत सहन शक्ति होती है, बिल्कुल सड़क पे आएंगे, बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा, और सबसे सपोर्ट भी मांगूंगी, क्योंकि कानून तो हमने बनवा दिया, लेकिन कानून बनने से क्या हर हाल में रेप रुक जाएंगे? मैं बिल्कुल नहीं मानती। जब तक हर हाल में और हर केस में और तुरंत ही और जल्द ही सख्त से सख्त सजाएं नहीं होने लगेंगी, जैसे ही वो आदमी गिल्टी पाया जाए, तब तक मुझे नहीं लगता कुछ होगा। तो अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़नी है। जब तक इस देश की आधी आबादी प्रोटेस्ट करने से डरेगी, सड़क पे चलने से डरेगी, बाहर निकलने से डरेगी, अपने स्कूल जाने से डरेगी, अपने ऑफिस जाने से डरेगी, अपने घर में डरेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस देश का विकास हो सकता है। मैं इनकी बात में एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन होता है और बहनें प्रोटेस्ट करती है, तो उनको यदि डिटेन करना है, अरेस्ट करना है, तो वो बहनें होनी चाहिए, महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए। ऐसे 2500 जजमेंट एपेक्स कोर्ट के हो गए, तब जाकर वो एक ज्यूरिसप्रूडेंस तैयार हुआ। जी जी। अब उसके धज्जियाँ उड़ते हैं जब एक पुरुष पुलिसकर्मी बहन की छाती में हाथ डालता है, दैट इज कैप्चर्ड, अखबार में छपा है, ये लिखती है, फिर भी एक्शन नहीं होता, तो लोग हिंसा करने के लिए कभी कभी मजबूर हो जाते हैं। ये होने के इतना, ये फ्रस्ट्रेटिंग इतना माहौल बन जाता है। मैं जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मैं हरगिज किसी भी स्वरूप की हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सिचुएशन इतनी फ्रस्ट्रेटिंग बन गई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सड़कों पर उतरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़े कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इज एट वर्क, हम लोग को सफोकेटिंग लग रहा है, ये क्या हो गया इस देश में। गुजरात के अंदर 35 साल से दलितों को जमीन बांटी है, मेरी मालिकी की जमीन, ये कल्टीवेट कर रही है 35 साल से, तो वहां का लोकल पीआई क्या कर रहा है, डेप्यूटी एसपी क्या कर रहा है, एसपी क्या कर रहा है, रेंज आईजी क्या कर रहा है, होम सेक्रेटरी क्या कर रहा है, डीजीपी क्या कर रहा है, होम मिनिस्टर क्या कर रहा है, सीएम क्या कर रहा है, 35 साल तक। अब ये सड़क पर नहीं उतरेगी तो क्या करेगी? बिल्कुल। इसमें एक बात और भी है कि ये पढ़ेंगी बेटियां और बढ़ेंगी बेटियां ये कहने वाली सरकार ने सबसे ज़्यादा असुरक्षित किया है इस देश की महिलाओं को और इस देश की बच्चियों को। और हम लोगों को तो एक ही बात समझ में आती है कि लड़ेंगी लड़कियां तभी आगे बढ़ेंगी लड़कियां। बिल्कुल ऋचा, ये आपसे अगला सवाल मेरा रहेगा कि प्रोटेस्ट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अभी जो नया ट्रेंड जो है, जो हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर आपके पास है कि आप अपना डीपी चेंज कर लेंगे, उस डीपी को ब्लैक कर लेंगे, तो कितना ज़रूरी है कि जो यूथ हैं वो सोशल मीडिया छोड़ करके ऑन ग्राउंड आकर के प्रोटेस्ट करें, इसकी कितनी ज़रूरत है इस देश को? देखिए, इस समय जो माहौल है और जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की बात करने वाली ये सरकार है, अब ये बात अलग है कि डिजिटल इंडिया की बात करते करते वो नाली से गैस निकालने की बात करने लगे, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सड़क की लड़ाई हम साथ साथ लड़ें सोशल नेटवर्किंग के मदद से, क्योंकि तभी देखिए जो प्रोटेस्ट होते हैं वो तमाम जन मुद्दों पर होते हैं जी। वो इस सोसाइटी में कास्ट के सवाल पर होते हैं, जेंडर के सवाल पर होते हैं, बेरोजगारी के सवाल पर होते हैं, किसानों के सवाल पर होते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर होते हैं, यानी कि जन मुद्दों पर होते हैं। और जन मुद्दों पे कंसेंट बनाना ये बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मुझे लगता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है, चाहे वो फेसबुक हो, ब्लॉग हो, ट्विटर हो, और साथ ही साथ जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स हैं, वो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं पूरे देश में तमाम मुद्दों के ऊपर लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए। तो ये सड़क की लड़ाई जो सड़क पे भी चलेगी, लेकिन साथ ही साथ सोशल नेटवर्किंग के मीडिया के तहत ये हम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ेगी। और आपने देखा भी है कि किस तरीके से सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने तमाम आंदोलनों को बहुत मजबूती दी है, और कहीं ना कहीं ये सरकार कितनी डरती है कि आपने देखे कि पूरी पूरी बीजेपी ने अपनी आईटी सेल ही खड़ा कर दिया है, जो आज सड़क पर तो कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन उसने सारे गाली देने वालों को ट्विटर पे लगा के रखा हुआ है। तो
क्योंकि उसे पता है कि ये जो यूथ है, ये पढ़ा लिखा यूथ, ये सड़क पर भी निकलता है, ये प्रतिरोध भी करता है और साथ ही साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू साथ में एक एका बनाने की भी कोशिश करता है, जिसको हम लोगों ने देखा है कि पिछले 4 सालों में जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हमले हुए, रोहित की लड़ाई हैदराबाद की वो इसलिए मजबूत हो पाई क्योंकि पूरे देश से छात्रों का समर्थन मिला, बहुत से लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरे और बहुत से लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के तहत उस लड़ाई को मजबूत किया। तो ये इतिहास भी रहा है और सोशल नेटवर्किंग साइट को हम लोग जितना से ज़्यादा यूज़ करके एक एका बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और ये लड़ाई जो सड़क से संसद तक की लड़ाई है, ये हम लोगों को सड़क से लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के इन माध्यमों के माध्यम से करनी पड़ेगी। जिग्नेश, अगला सवाल आपसे होगा मेरा। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हम जो भी प्रोटेस्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ करते हैं अपने पर्सनल एजेंडाज के लिए। उनके पास विजन नहीं है, प्रोटेस्ट का कोई विजन नहीं है, आगे का रोड मैप नहीं है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस आपकी क्या राय है इस पर? बहुत नॉनसेंसिकल आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट में भी थोड़ी सत्ता पक्ष की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। हमारे देश में हमने देखा है कि सैकड़ों रैलियां निकली और निकलती रहती है, लोग धरने पर बैठे हैं और बैठते रहते हैं, लोग अनशन पर बैठे हैं, आज भी हार्दिक पटेल का अनशन चालू है। ऐसे लोग जो जमीन का किसी किसान की जमीन किसी प्रोजेक्ट में जा रही है तो यहाँ तक छाती तक पानी हो, ऐसे पानी में डूबकर भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। सो अलग अलग किस्म के प्रोटेस्ट होते रहते हैं। सत्ता को क्या है कि कोई उनके खिलाफ खड़ा हो वो बड़ा अनकम्फर्टेबल कर देता है। जैसे कि अभी ऋचा ने कहा कि संसद में भी पहुँचना चाहिए और सड़कों की लड़ाई भी लड़ना चाहिए। सब लोगों ने सुना साथियों, ऋचा ने जी ने कहा, स्वाति आप भी मानते हैं कि सड़कों की लड़ाई लड़नी चाहिए? जी बिल्कुल, ये भी मानते हैं। बस यही लाइन में बोला था यलगार परिषद में, इसी में एफआईआर हुआ। बहुत से लोग मेरे चुनाव जीतने के बाद कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो गए। अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ग्रामर एक्चुअली स्पीकिंग जो ब्रॉडली एक्टिविस्ट फ्रेटर्निटी है उनके लिए नहीं है, ये मसल्स पावर का गेम है, ये मनी पावर का गेम है। सो आई वांटेड टू कन्वे टू द पीपल, टू द यंगस्टर्स इन पर्टिकुलरली, दैट ओनली बिकॉज आई कुड क्रैक इट, डोंट बी अंडर द इंप्रेशन दैट यू कैन ऑल्सो क्रैक इट, नॉट दैट यू कांट क्रैक इट, बट इट इज मोस्टली नॉट फॉर आर काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, उसका ग्रामर ये अलग है, उसमें 2500 चीजें लगती है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं विधायक बन गया तो सारे लोग विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, उस गलत फहमी में मत रहिए। हाँ, यही शब्द है मेरे उस परिषद में, देन आई विल कमिंग टू, देन आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन, कि तो लोगों को, अच्छे लोगों को असेंबली में जाना चाहिए, पार्लियामेंट में भी जाना चाहिए, लेकिन सड़कों की लड़ाई भी लड़नी चाहिए, जिस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर लड़े, भगत सिंह लड़े, जन आंदोलन खड़े करने चाहिए, इसी में एफआईआर कर दिया। तो मुद्दा यह है कि इस वक्त ऐसी सरकार है जो किसी भी किस्म के डेमोक्रेटिक वे ऑफ प्रोटेस्ट को भी हजम नहीं कर पा रही है। ठीक है जी, कॉलेज के कैंपसिस में मार रहे हैं, दलितों को मार रहे हैं, आदिवासियों के घर उजाड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो सारे वो तबके जो डेमोक्रेटिकली बिहेव करना चाहते हैं उनको दूसरे किस्म के फॉर्म्स में प्रोटेस्ट में जाना पड़े, इस प्रकार का एक माहौल खड़ा किया है। जैसे मैं आपको बोलूं कि अहमदाबाद जिले के बगल में एक धंधु का तहसील है, धंधु का तहसील में कुछ 15-20-25 साल पहले लैंडलेस लोगों को जमीन का आवंटन किया था, तो मैंने उनके लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लिखा, भाई उनकी मालिकी की जमीन है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उनकी एंट्री इफेक्ट हो गई है, फिर भी पजेशन नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। देन आई स्टार्टेड राइटिंग टू द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, उसने भी कुछ नहीं किया। देन आई रोट टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, देन आई रोट टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, देन आई रोट टू द सीएम ऑफिस, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो ड्रामा होता है गुजरात में जी, उस वक्त पे मैंने एक अनाउंसमेंट किया कि यदि इस बार मोदी जी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएंगे और तब तक यदि ये लैंडलेस लोगों को उनकी जमीनों का पजेशन नहीं मिला तो मैं मोदी जी की गाड़ी के सामने सो जाऊं। 7 दिन में 350 एकड़ जमीन का पजेशन मिल गया। अब ये कॉल जो मैंने दिया, ये कॉल का अनाउंसमेंट करना इज जेन्युइनली नॉट वेरी हेल्दी, आई एडमिट, आई प्रोएक्टिवली एडमिट, लेकिन क्या करें लोग, पीपल आर कंपेल्ड टू डू इट।
What about the vision? Like, अगर हम vision की बात करें, एक protest होता है, तो उसके पीछे जो एक grammar होता है कि एक roadmap होना चाहिए आगे को लेकर. बहुत सारे protest हो रहे हैं, बहुत सारे protest on ground failure भी हो रहे हैं. तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि vision या एक proper roadmap नहीं होता है उनके लिए? मैं बोलूँ कि generally जो लड़ने वाले लोग हैं, जो संघर्ष करने वाले, जो आंदोलनकारी है, उनका एक एक्सपीरियंस रहता है कहाँ पर धरने पे बैठने से काम होगा, कहाँ रैली निकालने से काम होगा. और अब तो वो वक्त आ गया कि हाईवे जाम करना पड़ेगा. तो कोई पहले दिन ही हाईवे जाम नहीं करता, ठीक है? पहले आप ज्ञापन देते हैं, दूसरा ज्ञापन देते हैं, उसकी कॉपी मीडिया को फॉरवर्ड करते हैं ताकि न्यूज़ बने. फिर भी सरकार नहीं मानती तो फिर आप धरने पर बैठते हैं. फिर भी नहीं मानते तो और फोर्सेस को एंगेज करके आप बड़ी रैली करते हैं. उसके बाद भी नहीं मानती तब आपको दूसरे वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन में जाना पड़ता है. और मैं आपको बोलूं, मान के चलिए एक गुजरात में एक प्रोजेक्ट है DMIC का, दिल्ली मुंबई इन्वेस्टर्स कॉरिडोर. एक हाईवे बन रहा है, दलील के तौर पे मान लिया जाए कि यह हाईवे है. अब जब यह हाईवे कभी भी बनता है तो उसके लेफ्ट और राइट में थोड़ी बहुत तो जमीन का संपादन होता है. इस प्रोजेक्ट में कितनी जमीन का संपादन होगा लेफ्ट की ओर से? 210 किलोमीटर. यस, आई मीन इट. और यहां 190 किलोमीटर. एक प्रोजेक्ट में गुजरात की 61.40% लैंड ये सरकार एक्वायर कर देना चाहती है. अब कौन सी रैली से ये प्रोजेक्ट रुकेगा? हाईकोर्ट में लड़ने वाले लोग अनगिनत पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस करते रहते हैं, नहीं मानती. कोर्ट्स का भी रवैया ब्रॉडली इन दिस कंट्री इज नॉट वेरी प्रो पुअर प्रो पीपल. तो शांतिपूर्ण ढंग से जो लोग गांधीयन फिलोसॉफी में मानते हैं, जो सर्वोदय की विचारधारा में मानते हैं, वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारा भी नहीं सुन रहे. 25 बार रैली किया, 100 बार ज्ञापन दिया, धरने पर बैठे, अनशन किया, आमरणा तनशन किया, फिर भी सरकार नहीं मान रही है. सो देन इट टेक्स डिफरेंट शेप. थैंक यू स्वाति. आपसे अगला सवाल होगा कि जब भी ऐसी विमेन ओरिएंटेड या विमेन सेंट्रिक कोई इश्यूज होती हैं जिस पे हमें प्रोटेस्ट करना होता है, दी मेल पार्टिसिपेंट ड्रॉप्स. सो क्या ऐसा कोई तरीका है, या आपके हिसाब से कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से मेल पार्टिसिपेशन कम होता है विमेन सेंट्रिक प्रोटेस्ट में? फ्रेंकली मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं रहा है. जी, जैसे जब मैं अनशन पे बैठी तो मैंने ये देखा कि ऐसे ऐसे लोग मेरे से मिलने आए, प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने आए, बहुत आदमी आए, और ऐसे आए जिनको देख के मुझे लगता था कि शायद ये कभी भी एक प्रोटेस्ट में पार्ट नहीं लेंगे महिलाओं के हित में. पता नहीं ऐसे मेरे एक फीलिंग होता था, वो पूरी की पूरी फीलिंग ध्वस्त हो गई. कोई चेन्नई से उठ के आ रहा है, कोई राजस्थान से उठकर आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी मूछों के साथ आदमी आए जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो रो रहे थे मेरे को देखकर और कह रहे थे कि हमें भी चाहिए, हम नहीं चाहते कि बच्चियों के साथ रेप हो. तो मैं ऐसा नहीं मानती कि जब विमेन इश्यूज उठाए जाते हैं तो आदमी जनरली बाहर नहीं आते. इनफैक्ट रेप रोको मूवमेंट जब हमने चलाया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के और बाकी भी दिल्ली के बहुत सारे कॉलेजेस साथ आए और बहुत सारे लड़कों ने प्रोटेस्ट करा. इनफैक्ट कुछ लड़कों ने, 500 के करीब लड़के थे जिन्होंने दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करा, अपनी सिर्फ बॉक्सर शॉर्ट्स पहन के प्रोटेस्ट करा, अपनी शर्ट्स उन्होंने उतारी और अपने ऊपर पेंट कर रखा था उन्होंने, और कहा कि भाई जब हम अपने बॉक्सर शॉर्ट्स में भी कंफर्टेबल हैं, सेफ फील करते हैं, तो एक लड़की को कितने कपड़े पहनने पड़ेंगे तब जाके वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी. तो मुझे ये लगता है कि जो आदमी है, जब आदमी आदमी से बात करते हैं तब जाके मुझे लगता है बदलाव होगा. और काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि विमेन मूवमेंट्स, हम जैसे लोग बस महिलाओं पे ही फोकस करते रहते हैं. एक बार मैं एक कैंपेन में गई जिसका नाम था ही फॉर शी. बहुत अच्छा कैंपेन है, बहुत जगहों पे बहुत अच्छी तरीके से उसको हुआ, बट एक जगह पे मैं वहाँ पे गई, मैंने देखा ही फॉर शी का कैंपेन और सिर्फ महिलाएँ बैठी हैं, सिर्फ मतलब कोई आदमी नहीं था वहाँ पे. तब मेरे मन में ये ज़रूर सवाल उठा. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आदमियों को आगे भी आना चाहिए और आ भी रहे हैं, और एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा हमें जिसमें आदमी जाके आदमियों से बहुत अच्छे से बात भी करें और उनको जोड़ें. क्योंकि जब तक हम इंडिविजुअली बात नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक कुछ खास बदलेगा नहीं. अगर आपको याद होगा तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट शुरू हुआ था बीच में, घंटी बजाओ. कोई आदमी अपनी बीवी को पीट रहा है तो आसपास के लोग जाकर उसकी बस एक बेल बजा देते थे.
उससे बहुत इम्पैक्ट हुआ था. आई थिंक इट वॉज अ बिग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो उससे होना शुरू हुआ था. और मैं उसमें ऑब्जर्व करती थी कि बहुत सारे आदमी वो एक स्टेप फॉरवर्ड देते थे और जाते थे. साथ ही कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है. आजकल ये भी बहुत चल रहा है कि अगर कोई महिलाओं का, जैसे रेप के हम इशू उठाते हैं, ट्विटर पे भी देखें, सोशल मीडिया पे भी देखें, लोग भी, जब मैं सड़क पे भी चलती हूँ तो बहुत लोग मेरे पास आके कहते हैं क्यों ये लड़ाई लड़ रही हो, क्योंकि हमको झूठे केसों में फंसा दिया जाता है. तो इस तरीके की भी समस्याएं हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं. और बस हम तो यही कहते हैं कि अगर कोई लड़की झूठा केस करती है तो उसके ऊपर भी एक्शन करो, बट जो इतनी सारी लड़कियां, जो एक बहुत बड़ा तबका है जो सफ़र कर रहा है, उसको रिलीफ तो दिलाओ. वो एक या दो लड़कियों की वजह से आप पूरी की पूरे मूवमेंट को मतलब उधर मत करो, अलग मत करो. और उन लड़कियों को भी कहना चाहूँगी, क्योंकि वो जो एक और दो लड़कियां हैं ना, उनके लिए भी मेरे को बहुत, आई फील वेरी स्ट्रांगली कि उनको भी ध्यान रखना चाहिए. उनको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए. किसी भी लड़की को इस तरीके का झूठा केस नहीं करना चाहिए. ऐसा कोई हमारे सामने केस आता है तो हम तो कोशिश करते हैं स्ट्रांगेस्ट एक्शन हम उस लड़की के खिलाफ भी ले सके. थैंक यू. द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन. विल टेक 2 to 3 क्वेश्चन. क्वेश्चन एकदम छोटे हो, कमेंट ना हो, स्टेटमेंट्स ना हो. 2 to 3 क्वेश्चन एंड एज आई कैन सी मोर देन 2 to 3 हैंड्स. सो यस, द वॉलंटियर इज वेरी गुड एट टेकिंग द क्वेश्चंस. या रिचा विल टेक द क्वेश्चन. या द वॉलंटियर्स आर गेटिंग. डेमोक्रेटिकली डिपेंड करेगा कि वो किसे पूछना चाहते हैं. हाय मैम, हम लोग का पिछला पैनल था उसमें मेरा एक सवाल था. हमारे डिफरेंट पार्टी के लीडर्स बैठे हुए थे कि सेफ्टी ऑफ वुमेन इन इंडिया, एंड अ रिमार्क दैट केम वाज इंडिया में सिर्फ 1.5% रेप होते हैं और स्वीडन में 59% ज़्यादा होते हैं. किस so, महानुभव ने ये कहा था? आपको ट्विटर के हैंडल में शायद पता चल जाए. मेरा सवाल दूसरा है, अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें तो जो दूसरा सवाल था कि अगर मैं चाहती हूँ प्रोटेस्ट करना तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, पर आज के डेट में उमर खालिद पे जो असासिनेशन अटेम्प्ट हुआ है और उनको दिल्ली पुलिस ने जो सेफ्टी देने से मना कर दिया है, तो अब क्या हमारी जान लगेगी या भगत सिंह का बम लगेगा एक्चुअली सोई हुई सरकार को जगाने के लिए? ये अपने जो उमर खालिद वाली बात कही, 2 महीने पहले हमको लगातार 3 दिन अंडरवर्ल्ड के डॉन रवि पुजारी ने जान से मार देने की धमकी दी. मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आज तक पुलिस ने मेरा स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं किया. नॉट ओनली दैट, ये जो 3 बार धमकी आया उसमें टेक्स्ट मैसेज आया था, उसमें यह लिखा था कि जिग्नेश मेवानी के साथ शैला रसीद और उमर खालिद भी हमारे हिट लिस्ट में है. अब इन तीनों में से एक उमर के ऊपर एक्चुअली गोली भी मारने का अटेम्प्ट हुआ, फिर भी लोग एक सिक्योरिटी गार्ड देने को तैयार नहीं. दिस इज द कंडीशन. स्टेट का नेचर इस वक्त इतना फासिस्ट हो गया है कि लड़ने वाले लोगों को खामोश कर दिया जाए, यदि उनको मार दिया जाता है तो भी खामोश रहे. इतना फासिस्ट नेचर बन गया है. नेक्स्ट, करना ही पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा. इसमें मैं भी थोड़ा मैं कुछ कहना चाहती हूँ. मेरे पास दिल्ली पुलिस आई और दिल्ली पुलिस ने मेरे को बोला कि आपके ऊपर आपकी जान को खतरा है और आपको तुरंत सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत है. और उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि मुझे लगा कि बस मैं अब अपने कमरे से बाहर जाऊँगी तो 100% मेरे को मेरा शूट आउट हो जाएगा. तो मैंने उन्हें ये कहा कि मेरे को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है. और मैंने उन्हें इसलिए ये कहा कि मेरे को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज की स्थिति है कि दिल्ली पुलिस के पास 66,000 पुलिसकर्मी की कमी है और हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि 66,000 पुलिसकर्मी मिल जाएं. तो हम जैसे लोग उनको अगर हम मतलब बस सिक्योरिटी बांटते चलें तो मेरे हिसाब से वो भी ठीक नहीं है. ये मैं इसलिए नहीं कह रही, मैं ये आई एम नॉट सेइंग इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. मैं उमर और जिग्नेश भाई के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रही. मैंने इसलिए सिक्योरिटी मना करी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सड़क पर चलती हूँ तो मैं एक आम इंसान के साथ की तरह सड़क पे चलना चाहिए. जब मैं रात में चलती हूँ तो अभी भी रात में जब मैं निकलती हूँ मैं बड़ी डिस्कम्फर्ट फील करती हूँ. कहीं पे लाइट नहीं है, कहीं पे कोई मेरा पीछा कर रहा होता है. उसको थोड़ी ना पता है कि मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ. किसी को क्या पता. अब सड़क पे मैं चल रही हूँ, पता चला मेरा ही मेरे साथ ही कुछ अनहोनी घटना हो जाती है
तो दिल्ली पुलिस को लेकिन ये जरूर पता है कि अगर मेरे साथ कोई अनहोनी घटना हो गई तो उनके लिए बहुत एम्बेरसिंग होगा, इसलिए वो मेरे को तो सिक्योरिटी देने को तैयार है, लेकिन मैं सिक्योरिटी नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम वो जो हल्का सा जो डिस्कम्फर्ट है वो मेरे अंदर रहे, जिस दिन वो मेरे अंदर खत्म हो जाएगा उस दिन मुझे ये लगेगा, उस दिन फिर मेरे को इस दिल्ली की देश की महिलाओं का पेन नहीं समझ आएगा। तो इसलिए मतलब ये भी एक एस्पेक्ट है, बट आई एम नॉट सेइंग इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट बिकॉज ऑब्वियसली उनको मतलब उमर को गोली लगी है और इनको एक जेन्युइन मतलब थ्रेट है। देखिए इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहती हूँ कि सुरक्षित तो आप वैसे भी नहीं हैं कि कब कहाँ पे आपको कौन मार दे, आप गाय लेकर जा रहे होंगे और आपको कोई मार देगा, आपको कौन सुरक्षा देगा। तो हमारे पास यही चारा है कि हम लोग बाहर निकलें और पूरी मजबूती से निकलें और हमारी एकता हमारी मजबूती ही हमें मजबूत करेगी, प्रतिरोध करना ही अंतिम विकल्प है और प्रतिरोध की राजनीति ने ही इस देश को नेतृत्व दिया है तो प्रतिरोध तो होता रहेगा। एक लाइन कहना चाहती हूँ आप लोगों से, नई नस्ल के वास्ते, नई नस्ल के वास्ते हसीन ख्वाब मांगिए, सवाल हैं बड़े बड़े, सवाल हैं बड़े बड़े जवाब मांगिए और जब जवाब मांगिए तो साथ ही साथ हिसाब मांगिए, हिसाब जो ना मिले तो इंकलाब मांगिए। वी आर रैपिंग अप द सेशन हियर वी आर ऑलरेडी Can I finish this one last question? Swati, you said, you talked about he for she, and you said that you didn't see the effect of men being there, the activity or how active men were there in that campaign, and that disturbed you because it was he for she. But when it comes down to patriarchy, we see that even among women, women don't support women, all right? Women don't support women, and patriarchy seeps down in our homes. We need to change the mindset of men, yes, but we also need to start changing the mindset of the women at home, and everything starts at home. I love this debate. I love this one. Why? Because this is something we can all relate to. We're all people. We're all citizens. You wanted to talk about Ghalib. You wanted to be part of, you know, okay, I'll make this a little short. But tell me, what can we as citizens do sitting here to change the mindsets from home? This goes to all of you. And yeah, very base. Can I respond? Yeah, okay. I totally agree that we have to change the mindsets of women because you also have to see that they are also somewhere victims in the entire process. Ek chhota sa example deti hu, main Haryana ki bahu hu, to Haryana mein jab apne gaon mein jati hu, apne sasural mein jati hu, to meri mother-in-law ne mere ko kaha ki beta pallu to karna padega, to maine unhe kaha ki maa tum mujhse gobar uthwa lo, maine uthaya bhi gobar, maine sab kuch kara lekin main pallu nahi karungi, to unhone kaha ki beta thoda sa kar le, itna kar le, matlab bargaining shuru hui, to maine unko kaha ki aap chahe kuch bhi karo, meri shakal bahut sundar hai, main apni shakal kisi bhi hal mein nahi chupane wali, main sab kuch karungi aur main bahut izzat se karungi, main har wo kaam karungi jo aapka culture kehta hai, lekin main apna pallu nahi karungi. Ab jab main uske upar discussion aur debate karti hu, kisi se bhi baat karti hu, to jo log is tarike se sochte hain वो मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारे ससुर ने तो नहीं कहा ना, तुम्हारी सास ने कहा, देखो तुम्हारी सास कह रही है, जितनी महिलाएं हैं वो कहती हैं, पर वो सास इसलिए कह रही है क्योंकि ससुर का भी उसको सैंक्शन है, पूरे गांव का उसको सैंक्शन है, उसके ऊपर पूरी एक जिम्मेदारी है कि इस परंपरा को, इस बेकार प्रथा को मुझे आगे तक चलाना है बिकॉज वो हमेशा का सैंक्शन है. तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं से भी बात करने की ज़रूरत है, पुरुषों से भी बात करने की ज़रूरत है, लेकिन जब पुरुष बदलाव लेकर आएंगे ना तो वो बहुत नीचे तक और बहुत आगे तक जाएगा. और बस अंत में मैं वो आपकी बात को दोबारा एक बार रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ जो आप कह रही थी कि प्रोटेस्ट क्या, फिर क्या करें, अगर हमारी ज़िंदगी को भी थ्रेट है तब क्या करें. तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने वो आपको एग्जाम्पल बताया था कि सिक्योरिटी नहीं मिली, क्योंकि ऐसे देश भर में व्यापम देख लीजिए या कितने वो आंदोलन देख लीजिए, जिन लोगों ने आंदोलन करा उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिली. लेकिन मैं इतना ज़रूर कह देती हूँ कि हमारी ज़िंदगी का काम मकसद ये होना चाहिए कि अगर एक स्वाति मालीवाल को ये मार डालते हैं तो हज़ारों स्वाति मालीवाल खड़ी हों, अगर एक जिग्नेश के साथ कुछ गलत होता है तो हज़ारों जिग्नेश खड़े हों, और अगर एक ऋचा के साथ कुछ गलत होता है तो हज़ारों ऋचा खड़ी हों. और इसीलिए मुझे लगता है हमें अपनी आंदोलन जारी रखना चाहिए.
मैं फाइनली सिर्फ इतना कहकर मेरी बात को ख़त्म करूंगा कि आज की जो चर्चा का मूल विषय था प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट करने वाले को लोगों को लेकर ऐसी एक इम्प्रेशन बन जाती है कि वो केवल विरोध ही करते हैं। तो अब मेरे पास एक मत क्षेत्र है वड़गाम, और आप में से कोई भी लोग खुद को वहाँ पर एंगेज करना चाहता है कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव काम के लिए, तो आप ज़रूर आइए, मोस्ट वेलकम। लेट अस डू ग्रेट थिंग्स, ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी, आई एम रियली ओपन अबाउट दैट, टू द एक्सटेंट कि आप में से यदि 50 लोग एक महीना अगले साल आकर वहाँ पर रुकेंगे तो मेरा ऑफर है कि 1.5 करोड़ की ग्रांट कहाँ खर्च करनी है वो आप लोग तय करेंगे, मैं पेपर साइन कर दूंगा। थैंक यू स्वाति फॉर ज्वाइनिंग अस, जिग्नेश एंड रिचा, वी हैड ग्रेट टाइम। लोगों को भी विरोध के बारे में, उनके मिथ और उनका एक ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट मिला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।